अभी हमारे साथ जिस भाई साहब को आप देख रहे हैं, ये बवासीर की दवा देते हैं भाई साहब। सच पूछिए, अगर आप भी बवासीर जैसे बीमारी से परेशान हैं तो ये दोनों दवा जो है आपके लिए वरदान साबित होगी। इस समय ज़्यादातर लोग बवासीर से परेशान हैं, मेरी माने तो 10 में से 6 ऐसे लोग हैं जिनको बवासीर है भाई साहब। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग तो अपने घर वालों को बताते नहीं हैं, और जो नहीं बताते वो सही जगह इलाज के लिए नहीं जाते, और इलाज के लिए नहीं सही जाएंगे तो फिर बीमारी आपकी ठीक नहीं होती है। कुछ लोग इस बीमारी के वजह से ऑपरेशन का सीधा डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये सही डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी कई एक लोगों का बवासीर फिर से जिंदा हो जाता है। अभी हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, और बवासीर होती कैसे है, इसका समाधान क्या है, और उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। अच्छा, ये बवासीर से ज़्यादातर लोग ग्रसित है, लेकिन इस बीमारी के बारे में लोग बताना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बवासीर बीमारी जो है, आप देखें पूरे विश्व के अंदर करीबन 40% जनता ऐसी है जो बवासीर की बीमारी में या तो आ चुकी है या उनको हो चुकी है या सिम्टम आ रहे हैं। और अगर आप देखें ओवरऑल एनालिसिस देखें तो हिंदुस्तान 11% पे आ चुका है। हर 10 में से जैसे आपने कहा 6 लोग, मैं तो कहता हूँ बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। अगर सबसे ऊपर का देश देखें जो कि विकसित है, हम कहते हैं ना ये विकसित देशों के अंदर एजुकेशन अच्छी है, खान पीन अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री करीबन 39% की आबादी जो है बवासीर की बीमारी से ग्रस्त। 39%। इज़राइल जो है 16% पे आके खड़ा है, उसके बाद साउथ कोरिया है करीबन 14-14.5% पे आके खड़ा। मतलब साउथ कोरिया में 14% लोगों को बवासीर है जी। अब आप देखिए उनका खान पीन हमसे बेटर, उनका लाइफस्टाइल हमसे बेटर, टेक्नोलॉजी में हमसे बेटर, पैसा हम लोगों से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद बीमारी भी हमसे ज्यादा है। अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे इसलिए हैं कि हम बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, अभी विकासशील देशों में आते हैं, विकसित देश में जहाँ चले गए उसी दिन। क्योंकि देखिए ये बीमारी क्या है, ये बीमारी आपके घर में एंटर करती है आपकी सुविधाओं के बढ़ने से। जैसे आपने अपने आप को आरामदायक बनाना शुरू किया, जैसे आपने अपने आप को खान पीन बदलना शुरू किया, ठीक है, उसी तरह से बीमारी भी आपके साथ जुड़ना शुरू होती है। अब सबसे पहली बात हमें जानने की जरूरत है, जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। आपने कहा ना लोग आपस में डिस्कस नहीं करते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि लोगों को शर्म आती है, पढ़ लिख गए ना तो शर्म आती है कि ये बीमारी के बारे में कैसे बात करेंगे। अब ये बीमारी आपके घर में एंटर कहाँ से हुई, जब आप उन लोगों को ज़्यादा तेजी से होती है जो 20 साल से 50 साल की उम्र में है, और बहुत तेजी से जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ रहा है, ठीक है। जो लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा लोड उठाने का काम करते हैं, इनका वर्क कल्चर ऐसा है, वजन ज़्यादा उठाना पड़ता है, या फिर पानी बहुत कम पीते हैं, या जंक फूड खा रहे हैं, खाना पीना बिगड़ा हुआ है, या उनका सिटिंग जॉब है, सारा सारा दिन घर में बैठने का काम है, ऑफिस में बैठने का काम है, 10-10, 12-12 घंटे वो लोग बैठते हैं। अल्टीमेटली जब जब प्रेशर आपके एनएस पे पड़ेगा, एक्सेस प्रेशर आपके मल द्वार पर आएगा, तो वो आपको बवासीर की तरफ लेके जाएगा, जैसे वेरिकोसिस होता है। सिंपल मैं कहता हूँ ये प्रेशर है, सिर्फ प्रेशर है आपके नसों के ऊपर आया हुआ। देखा होगा आपने लोगों की टांगों की नसें फूल जाती हैं, गांठें हो जाती है ना, इसी तरह सेम इन द सेम वे बवासीर भी ऐसे ही होता है जब आपके प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप देखें लोग सीट पे बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर से जोर लगा के लैट्रिन के लिए जोर लगाते हैं, जोर लगाते हैं। कुछ लोगों के मस्से जो अंदर बने होते हैं, क्योंकि पाइल्स भी दो तरह की है ना, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, और बोथ भी है, कुछ के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं। जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा नसों के ऊपर लैट्रिन करने के लिए, जोर लगाया तो वो फट जाती है जो अंदर है, और फटने की वजह से ब्लीडिंग आती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जब इसके ऊपर, तो फिर आप देखें कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 अलग अलग सिम्टम इग्नोर करता रहता है इंसान, उनको नज़रअंदाज करता रहता है सिम्टम्स को। आपका शरीर तो सिम्टम दे रहा होता है लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, हल्का बहुत पेन हो रहा है चलो गोली खा लें, आप खाना पीना बिगड़ा हुआ है बिगड़ा ही चलता आ रहा है। अच्छा, कोई भी बीमारी कभी भी रातों रात नहीं आती, आपकी 20 से 25 साल की मेहनत है उस बीमारी को इन्विटेशन देने में। वो 20-25 साल जो आपने मेहनत करी है, अनाप शनाप खाया, सोने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, आपके वर्क कल्चर बिगड़ा हुआ है, आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उठना ही नहीं। और बहुत सारी लेडीज़ में भी ये प्रॉब्लम देखी, हालांकि ज़्यादातर जेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं लेकिन लेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्रेशर एनएस पे आता है और छुपाती हैं, ठीक है। स्टेज 1 मतलब, यहाँ एक बार दिखाइए आप, उसको आगे लाइए। जी जी जी
मतलब ये सारा जो आप फोटोग्राफी दिखा रहे हैं, समझे कि बवासीर की शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत यहीं से है। शुरुआत तो देखिए ये है, असलियत ये है, ये है शुरुआत, स्टेज वन शुरुआत है। आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, आप इग्नोर करते हैं। जब प्रेशर लगातार बन रहा है आपके एनस पे, धीरे धीरे ये जो गांठे अंदर बनी है ना, ये स्टेज टू में जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे सूजने लग जाती है, और जब सूजने लग जाती है तो भी आप इग्नोर करते हैं, उल्टी सीधी दवाएं खाने लगते हैं, छुपाने लगते हैं, डॉक्टर से मिलते नहीं है, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो पेन भी करने लगती हैं और वो फटकर ब्लीडिंग में भी आ जाती हैं, यानी कि अंदर जो पाइल्स हैं वो कम पेनफुल होती हैं लेकिन वहाँ ब्लीडिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जिनको है, कब्ज जिनको है, वो जोर लगाएंगे तो जब मल निकलेगा तो वो अंदर वाली जो ब्लड वेसल है उसको रैप्चर कर देगा, यानी फाड़ देगा और उसमें से ब्लड आ जाएगा, और कुछ जो है ब्लड वेसल बाहर की तरफ, एनस के बाहर की तरफ आ जाती है और वो पेनफुल होती है, क्योंकि देखिए कपड़ा भी टच होगा, हाथ भी लगेगा और ओपन है, जो चीज ओपन है तो वो दर्द भी करेगी। तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, आपको सचेत होना जरूरी है। सबसे पहले आपको जानना है आपकी बीमारी है क्या, जैसे वेरिकोसिस है इसी तरह है, वो भी नस फूल गई, यहाँ पे भी नस फूल गई, प्रेशर से नस फूली, आपके खान पीन की गड़बड़, फास्ट फूड, मिर्च मसाले आपने अडॉप्ट किया, वेस्टर्न कल्चर हुआ, ये गड़बड़ आपके साथ 20-25 साल चले आप उसी गड़बड़ के साथ, हो गई आपको बवासीर, ये गड़बड़ हुआ ना जी, ये गड़बड़ हुआ तो ये प्रॉब्लम आई। अब इसका सोल्यूशन क्या, देखिए सबसे दो चीजें होती हैं, या तो आप अवेयर हो और इसकी रोकथाम करें, पहले से अवेयर हुए सचेत रहें और फिर या फिर इलाज करें। अगर आप रोकथाम कर लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं तो इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप पहले प्रॉब्लम में आ चुके हैं तो अब रोकथाम करके पहले इलाज करें, उसके बाद रोकथाम करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे। नहीं तो मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा है, लोग दोबारा रिवाइव हो रही हैं, लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं उसके बाद भी रिवाइव हो रही है। तो ये कारण तब बनते हैं जब आप अवेयर ही नहीं है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, जो हमने आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जब वो समझाया आपने उसको फॉलो नहीं किया। अच्छा, बवासीर जैसे बीमारी से ग्रसित लोग जगह जगह दावा खाते हैं जी, लेकिन कुछ डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर सीधा बताते हैं कि ऑपरेशन इसका समाधान है, क्या ऑपरेशन के बाद बवासीर ठीक हो जाती है? नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन एक टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकता है, आपको आज एक दिक्कत हुई, आपने ऑपरेशन करा लिया, वो एक टेम्परेरी काम है, लेकिन अगर आपने बवासीर हुई क्यों थी अगर उस पर काम नहीं किया फिर हो जाएगी, तो फिर होने की ऑपरेशन के बाद भी फिर दोबारा, देखिए प्रेशर तो पड़ रहा है ना एनस पे, आपने अपना वर्क कल्चर नहीं बदला, आपने अपना खान पीन नहीं बदला, आपको कब्ज थी आपने उसको नहीं बदला, आपने कुछ भी ऐसा करा ही नहीं जिससे बवासीर आपको हुई थी और वो रुक जाए। अगर वो काम नहीं रोका तो दोबारा भी तो हो सकती है ना। फिर यहाँ बताइए आगे क्या होना। अब देखिए ये दो तरह की पाइल्स होती है इंसान को, एक होती है इंटरनल जो पेनफुल ज्यादा नहीं होती लेकिन रैप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग होती है, और एक होती है एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ आ जाते हैं मसल अटक कर, वो पेनफुल भी होते हैं, और दोनों तरह की भी पाइल्स एक इंसान को हो सकती है। तो अब इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आपको समझना है तीन तरह की जो सिचुएशंस हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि फिशर और फिस्टुला दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लक्षण होते हैं इस बीमारी के अंदर, ताकि आपको पता चले पाइल्स क्या है, फिस्टुला क्या है और फिशर क्या है। पाइल्स के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल हमने बताई, दो तरह की बवासीर है। फिशर के लिए भी सिम्टम्स है वही हैं, सब कुछ लक्षण वही हैं, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसे हमारे होठों पे दरारें आ जाती हैं ड्राइनेस की वजह से, इसी तरह यहाँ पे भी ईचिंग, ठीक है, दरारें होना, हल्का हल्का ब्लड आना, तो ये फिशर की कंडीशन है। इसमें फिस्टुला के अंदर क्या है, एक अलग रास्ता बन जाता है एनस के पास ही और उसमें पस भर जाती है, यहाँ से एक अलग रास्ता बनता है और यहाँ पर बाहर की तरफ और एक पस भर जाती है, तो वो एक सिम्टम सबके वही हैं, लक्षण वही हैं, कॉजेज भी वही हैं, कारण भी वही हैं, लेकिन क्या है कि आपको समझना होगा इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, जिनको बवासीर हो गई वो जड़ से कैसे खत्म करेंगे? देखिए जड़ से खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा आपको हुई क्यों, आपको कारण क्या बना था। किसी को कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन रहा हो, किसी, अब कॉन्स्टिपेशन क्यों हुई उस पर जाते हैं एक बार। आपने बड़े लंबे समय तक जंक फूड खाया है, फाइबरलेस फूड खाया, आपने फाइबर्स बॉडी में पहुंचाए ही नहीं, तो जब पहुंचाए ही नहीं आपने खाया ही ऐसा खाना है तो आपको कब्ज हुई, और कब्ज की वजह से आपको पाइल्स हुई, और पाइल्स की वजह से आज आप इस सिचुएशन में हो कि आपको डॉक्टर तक ऑपरेशन तक पहुंचना पड़ रहा है। बरसों से जिनको बवासीर है जो दवा खा खा कर परेशान हो गए हैं, वैसे लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या उपचार है, कैसे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको सचेत होना पड़ेगा, जिन कारणों से पाइल्स हुआ उनसे बचना पड़ेगा पहली बात, ठीक है। आपको हाइजेनिक कंडीशन रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, आपको ज्यादा पानी पीना है, वाटर कंटेंट, क्योंकि मल सूखेगा तो पाइल्स की संभावना बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। आपको पानी ज्यादा पीना है, फाइब्रस फूड
आपको ज्यादा खाना, फाइब्रस फूड में, फ्रूट्स में एप्पल बहुत फाइब्रस होता है, तो एप्पल खाइए। कहते थे ना सर कि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एक सेब रोज का डॉक्टर से दूर कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग एक सेब खा रहे हैं सर, और सेब 200 रुपए किलो पहुंच गया तो आम आदमी की तो जेब से दूर हो जाता है। अब वो एक सेब कटता है पूरे परिवार में बढ़ जाता है, तो एप्पल अ डे तो बना ही नहीं, ठीक है। ऊपर से जंक फूड एंटर हो गया, कच्चा मैदा हम लोग खा रहे हैं। हमारा इंडियन कल्चर में सब चीजें ना पका कर थी, जैसे समोसा है तल कर था, कच्चा नहीं था, टिक्की थी पका ली जाती थी, है ना। तो ज्यादातर हमारा जो फूड कल्चर था ना, वो सारा का सारा प्रॉपर तरीके से पका के खाया जाता था। अभी जो बाहर से जो कल्चर आया वो सारा का सारा कच्चा हो गया, बर्गर कच्चा मैदा, मोमोज कच्चा मैदा, चाउमीन कच्चा मैदा। तो वो जो कच्चा मैदा जब जाएगा आपके शरीर में, तो कहीं ना कहीं वो चिपकेगा आपकी इंटेस्टाइन्स में और कब्ज का कारण बनेगा। अच्छा, आप एक दवा भी देते हैं बवासीर का, जिससे बहुत सारे लोगों ने खरीदा है जी, लगभग लोग बताते हैं कि उससे रिकवरी तो होती है, बताएंगे उस दवा के बारे में। देखिए, हमारे पास एक कॉम्बो है जिसके अंदर हम कहते हैं कि बवासीर विराम और बवासीर विराम जूस, कैप्सूल और जूस, इसका एक कॉम्बो है। और दोनों का अपना अपना काम है, ऐसा नहीं कि इसका काम और इसका काम सेम है, दोनों का अपना अपना काम है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट है, अलग अलग आयाम में काम करता है। आयाम क्या, कब्ज भी दूर करनी पड़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करनी पड़ेगी, पेन भी ठीक करना पड़ेगा, और आपका जो मस्सा बना हुआ है उसको भी सुखाकर खत्म करना पड़ेगा। तो मल्टी डायमेंशनल हो गया ना, तो मल्टी डायमेंशनल में ये प्रोडक्ट में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां जो अलग अलग तरह से काम करती हैं। इस प्रोडक्ट को लेना कैसे है, देखिए सुबह अगर आप इस कैप्सूल की एक कैप्सूल पूरे दिन में सिर्फ एक अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं, छाछ से ले लें या दही से ले लें, आपने सुबह इसको लिया, उसके बाद आप इस जूस का अकॉर्डिंग टू वेट, अगर आपका 40 45 50 किलो तक वेट है तो 10 ml सुबह शाम, और अगर उससे ऊपर वेट है तो 15 ml सुबह शाम आप ये डोज लेंगे, तो आपका जो पाइल्स है दिनों दिन, सबसे पहला रिजल्ट दिखेगा पेन पर, दूसरा रिजल्ट दिखाई देता है जिसकी जिसकी खूनी बवासीर है उसकी ब्लीडिंग रुकेगी 5-7-10 दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन दोनों चीजों पे तो पहला प्राथमिक रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद क्योंकि इसको जड़ से खत्म करना है, और खाली प्रोडक्ट नहीं सर, हम लोग पूरा का पूरा डाइट चार्ट देंगे आपको, आपको उन्हें फॉलो करना होगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। देखिए, दवा से पहले परहेज होता है ना, वैद्य सब लोग यही बोलते हैं ना, दवा से पहले परहेज। लेकिन हमारा जो दूसरा मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसे हम एलोपैथी मेडिसिन कहते हैं, वहाँ पे सीधा हम लक्षण के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो परहेज वो लोग बताते हैं या बताते हैं तो वो लोग करते नहीं, आई डोंट नो, बट मैं ये मानता हूँ कि पहले परहेज अगर करा जाए तो दवा का रिजल्ट दोगुना मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा, दोबारा रिवाइव नहीं करेगा। अच्छा, ये जो आपकी दवा है बवासीर की, कितने साल पुराने बवासीर को ये ठीक कर पाएगी? सर देखिए, कितने साल पुराना, जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको प्राथमिक रिजल्ट इसके बताया, जैसे पेन, जैसे कि आपका ब्लीडिंग, इनके ऊपर आपको रिजल्ट पहले 15-20 दिन में नजर आ जाएगा। मतलब बवासीर वालों को पहले उनकी दर्द खत्म, दर्द खत्म होगी, खून आना बंद होगा, फिर धीरे धीरे जो मस्सा निकला है इंटरनल, जिसकी ग्रोथ है, जड़े जहाँ वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी और आप इस बीमारी से निकल जाएंगे। 2-3 महीने का कोर्स इसका रहता है। अगर इस प्रोडक्ट को आपको परचेज करना है, जो भी कस्टमर लेना चाहता है वो डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज कर सकता है, www.sehatkuber.com पे जाए, वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। नंबर से कैसे कनेक्ट होगा? अगर किसी को अपनी कोई समस्या डिस्कस करनी है, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, और अगर वो चाहता है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना, नो इशू, वो हमें कॉल कर सकता है 9090526060 पे, ठीक है, 9090526060 पे आप कॉल करें, वहाँ पे अपनी बीमारी डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, कोई रिपोर्ट है रिपोर्ट दिखा दीजिए, देख लेंगे हम लोग, और आपको आपका दवा आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। अगर लोग प्रीपेड खरीदना चाहते हैं, पहले पेमेंट देके मंगाते हैं, तो 1380 रुपये का कॉम्बो है, ठीक है, ये आपके घर पहुंचेगा। अगर आप COD की लेना चाहते हैं, क्योंकि COD ऑप्शन कंपनी ने अवेलेबल किया है, तो वो 1680 रुपये का है, लेकिन उसमें प्रायर 100 रुपये की बुकिंग अमाउंट कंपनी लेती है। मतलब दवा घर मंगवा के भी लोग पैसा ले जाएगी, लेकिन उसमें 200-300 रुपये फालतू लग जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कंपनी, जो भी लोग लेना चाहते हैं प्रीपेड मंगाए, उसमें पार्सल की भी गारंटी हम लोगों की, अगले के घर पहुंचाने की भी जिम्मेवारी हमारी, और पैसे की भी जिम्मेवारी हमारी, किसी तरह से कोई समस्या उसको नहीं है। इन केस अगर पार्सल नहीं पहुंचता तो पूरी पेमेंट वापस चली जाती है, तो कोई उसको डरने की जरूरत नहीं कि मैंने पेमेंट डाला तो मैं पीछे हो जाऊंगा या कंपनी पीछे हो जाएगी, नो इशू। मेन यह है कि देखिए, हम लोग जब भी पब्लिकली बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं या ऑनलाइन किसी से बात करते हैं, हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, दवा से पहले परहेज है। आप परहेज को फॉलो करें, जो हम दे रहे हैं, जो गाइडलाइंस दे रहे हैं उसको फॉलो करें, दवा 100% रिजल्ट देती है। शर्त ये कि आप उसको रेगुलर लें। जो बवासीर की दवा आप दे रहे हैं,
बवासीर से जो लोग ज्यादा परेशान हैं, कम से कम ये दवा कितने दिन खानी पड़ेगी उनको? देखिए कम से कम का कोर्स जो रहता है कम से कम 3 महीने तो रहेगा ही, कम से कम 3 महीने, बिल्कुल 3 महीने रहेगा। और अगर 3,500 रुपये 3,500 रुपये खर्च के आप एक ऐसी बीमारी जो कि कैंसर में भी तब्दील हो जाती है आगे चलकर, तो मेरे ख्याल से कोई घाटे का सौदा नहीं है। आपकी बीमारी पहले 10 दिन 15 दिन में ही रिलीफ दिखाती है ये प्रोडक्ट, और 2-3 महीने में तो बिल्कुल खत्म कर की जा। अच्छा, ये हमसे संपर्क बना के रखें और हम लोग जो गाइडलाइंस दे रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, आपके माध्यम से, उन गाइडलाइंस को भी फॉलो करें। चलिए, बाकी हमारे साथ सर थे, ये बवासीर पे हम चर्चा कर रहे थे और मुझे लगा कि बताना इसलिए भी चाहिए था कि 10 में से 6 से 7 लोग जो है बवासीर जैसे बीमारी से परेशान है, और ऐसे में लोग जो है इस बीमारी को छुपाते, किसी से बताते नहीं है, और नहीं बताने का रीजन है कि आप डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर इसका सही इलाज नहीं हो पाएगा, और सही इलाज नहीं होगा तो ये बीमारी दिन पर दिन आपको जगड़ती चले जाएगी। बाद बाकी पूरी वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता बताइएगा। अगर दवा आपको लेना है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पे डायल करके अधिक जानकारी जुटा सकते हैं, दवा लेकर के इसका इस्तेमाल कर इसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो देख के अपना विचार बताइएगा। जय हिंद।